तो चलिए फ्रेंड, ये रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है एक साफ खाली बाउल जिसमें हमें ये रेमेडी बनानी है। तो सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना, वो है दही। फ्रेंड, दही में ना लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को ब्राइटन अप करती है, चेहरे के रंग को निखारती है। और अगर आपको ना झुर्रियों की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या आप अपने चेहरे का कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, कलर को निखारना चाहते हैं, फेस पे झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो गई है, स्किन बहुत ड्राई हो गई है, तो ये रेमेडी उनके लिए है। ये एक तरह से एंटी एजिंग पैक है जो कि स्किन को ब्राइटन अप, चेहरे के रंग को गोरा बनाएगा, आपके चेहरे के रंग को 2 से 3 शेड लाइटन करेगा, हल्का करेगा, और आपके चेहरे से झुर्रियों को भी आने से रोकेगा। तो हमने यहाँ पे लिया है दही। दही के साथ मैंने थोड़ी सी मलाई भी ली है इसमें। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मलाई डाल सकते हैं, अदरवाइज आप दही भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी, यहाँ पर मैं लगभग 1 टेबल स्पून जितनी लूँगी कर्ड, मैंने 1 टेबलस्पून ली कर्ड। इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ। वैसे तो मेरी स्किन ड्राई नहीं है, पर स्टिल मेरे को मलाई का जो है फेस पैक अच्छा लगता है, तो इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल दूँगी। और हमारा जो दूसरा इन्ग्रीडियंट है ना फ्रेंड, वो है शहद। शहद में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे फेस से मॉइस्चर को, यानी कि नमी को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर जो है लॉक कर लेता है। स्किन में पानी के लेवल को, यानी कि हाइड्रेट करता है, पानी की मात्रा को वो बैलेंस करता है और हमारी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता। और ये एक तरह से नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा बनाता है, झुर्रियों को रोकता है आने से, और चेहरे को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है। बट आप जो भी क्वालिटी का आप अगर शहद ले रहे हैं ना, तो अच्छी ही क्वालिटी का लें, अच्छी मतलब ऑर्गेनिक लें, और रॉ ले और अनफिल्टर्ड ले, हमेशा अच्छी ही क्वालिटी का लें अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शहद लगाने के बाद हमारे स्किन पे ना पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शहद हैं जिसमें चीनी का चाशनी बना के देते हैं, इसलिए आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं। अदरवाइज़ हनी लगाने से कभी भी आपके फेस पे पिंपल्स नहीं होंगे, क्योंकि एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग बनाता है। तो अब हमें कितना डालना है इसमें शहद, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शहद। देखिए, मैंने इसमें 1 टीस्पून शहद डाला और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला दही विद मलाई। ठीक है, जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है ना, वो है बादाम का तेल। मैं आपको बता दूं कि बादाम के तेल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, यानी कि विटामिन ई होता है, जो कि एक एंटी एजिंग का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे चेहरे से झुर्रियों को आने से रोकता है, चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, और सर्दियों में ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट बनाता है। अगर आप इसको लगा लेंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, और लोग आपको बोलेंगे कि आप क्या लगा रहे हो कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं बादाम का तेल 1/2 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें मलाई भी डाली है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप बादाम का तेल ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो बादाम का तेल कुछ बूंदे 4 से 5 ड्रॉप्स डालें, और ऑयली है तो 1 से 2 ड्रॉप्स डालें। तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून करके डालूंगी बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो क्या डालें, तो आप बादाम के तेल के जो ऑल्टरनेट बता रही हूँ, तो आप ना ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, यानी कि जैतून का तेल। आप ग्लिसरीन डाल सकते हैं, आप इसमें कोई और ऑयल डाल सकते हैं, जैसे कि आप एवोकाडो ऑयल डाल सकते हैं, आप जैतून का तेल डाल सकते हैं, आप कोई और कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आप कोई सा भी जो आपके घर में हो वो आप ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल्स हैं तो आप 1 से 2 कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव बता दिए, तो क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कुछ अल्टरनेट बताओ, जिसका मुझे लगता है कि हाँ ये सब्स्टिट्यूट है तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं डालेंगे ना, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। फिर आप मुझे बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि स्किन ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी थी, आपको अभी मेरी स्किन अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मुझे लग रही है, क्योंकि मैं कुछ अपने DIYs फिर से मैंने ट्राई करे हैं, और मुझे खुद मेरी स्किन मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा चमक रही है।
तो अगर आप चाहते हैं अच्छे अच्छे कमेंट अच्छे अच्छे होम रेमेडीज़ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने मिक्स कर दिया। आपको जितनी महंगी से महंगी एंटी एजिंग क्रीम, एंटी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स और पता नहीं कौन सी क्रीम्स आती है जो कि 2000, 3000, 1500 की आती है, वो आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे लगा लेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मक्खन जैसी सॉफ्ट हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और अगर आप 30+ हैं तो आप इससे रोज़ रात को सोने से पहले मसाज करें। रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स झुर्रियों की प्रॉब्लम है, स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, चेहरे के रंग को निखारना चाहते हैं, या सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो चलिए अभी मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मतलब कुछ भी मैंने मेकअप नहीं किया, बस मैं अभी घर का काम ही करके आई हूँ। तो चलिए मैं इसे अपने फेस पे लगाती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये लेना है अपने फेस पे ऐसे करके और अपने चेहरे पे मैं इसे अच्छे से मसाज करते हुए लगाऊंगी। तो मैं आपको कुछ एंटी एजिंग स्टेप्स बता देती हूँ, कुछ मसाज के स्टेप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो जब भी आप मसाज करते हैं ना तो हमेशा अपने स्टेप्स को ऊपर की तरफ चलाना होता है आपको, ताकि आपके फेशियल मसल यानी कि फेस के जो मांसपेशियां हैं मसल्स हैं वो अच्छे से टाइट हो जाएं। और आपको अपना हाथ बहुत जेंटली चलाना है, मतलब बिल्कुल ऐसे, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत आराम से, क्योंकि आपकी स्किन है और बहुत ही जेंटली आपको ये इसे मसाज करनी है। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स यानी कि काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन झाइयाँ हैं ना, तो आप इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की भी डाल सकते हैं या संतरे के रस की भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके लूँगी और अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज करती रहूँगी ऐसे करके, आप देख रहे हैं ना मसाज, ऐसे करके आपको मसाज करनी है इसे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं इसमें आपको एंटी एजिंग कुछ स्टेप्स बता रही हूँ। अब बात आती है कि हमारी जो उम्र है ना, सबसे पहले हमारी आंखों के नीचे से दिखती है कि नहीं दिखती है, दिखती है ना। तो आपको क्या करना है, जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है ना, ये वाली, इससे आपको बहुत हल्के हाथों से प्रेशर देना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आजकल सभी को है, मेरे को भी पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा जगती हूँ। तो ये देखिए, हम बहुत हल्के हाथों से ना ऐसे करके मसाज करेंगे, ऐसे करके। आईब्रो की स्किन हमारी लटक जाती है, इससे भी हम अच्छे से मसाज करेंगे जिससे कि हमारी स्किन लटके नहीं, ऐसे करके। और फिर इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा। फिर अपनी जो छोट उंगलियां हैं ना तीन, इससे बहुत जेंटली प्रेशर देते हुए आपको ऐसे राउंड राउंड आपको मसाज करनी है। इससे आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग होगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन डायरेक्ट आपके फेस पे होगा। तो थोड़ा थोड़ा इसको आपको अपने फेस पे लेना है और अच्छे से अपने फेस पे मसाज करनी है। देख सकते हैं फ्रेंड, जितनी भी दही थी ना मेरी स्किन ने अच्छे से एब्सॉर्ब कर ली है, क्योंकि हमारी स्किन इसको अच्छे से पी रही है, क्योंकि हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे हम अपनी स्किन को उठाते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे आपको मसाज देनी है अपने फेस पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये फिर ऐसे अपने फेस को ले गए, थोड़ी सी क्रीम आपने और ली और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है, स्किन देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे रेमेडीज ट्राई कर रही हूँ जिसको मुझे पर्सनली, पहले मैं आपके साथ ना वो रेमेडीज शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छा फ़र्क लगता है। तो मुझे, मैंने एक रेमेडी शेयर मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत, मेरी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाया है, मेरी स्किन के कलर को भी साफ किया है पहले से, क्योंकि मेरा फेस बीच में बहुत ज़्यादा डल हो गया था। तो मैं आपके साथ जल्द ही वो रेमेडी शेयर करूँगी। और मैंने लिप्स के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज बनाई हुई है, जो कि सर्दियों में ना हम अपने फेस पे ध्यान देते हैं बट हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो उसे नेचुरल पिंक कैसे करें। तो अब आपको जो मैं दूसरा स्टेप्स बता रही हूँ ना, आपको थोड़ी सी एक क्रीम लेनी है अपने हैंड्स पे और ऐसे
ऐसे आपको टैप टैप करना है, ऐसे बहुत जेंटली। टैपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इससे हमारी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है इससे भी, और स्किन पे नेचुरल ग्लो आता है। आप देख सकते हैं, मेरी ऐसे आपको स्किन को उठाना है, ऐसे आपको टैप 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 करना है स्किन को ऊपर की तरफ ले जाके। तो फ्रेंड, जितनी भी ये क्रीम थी ना, दही, शहद और बादाम का तेल, मेरी स्किन ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और अब मेरी स्किन पे आप देख सकते हैं नेचुरल ग्लो। और खुद आप इसे लगाएंगे ना, तो आप जितनी भी मार्केट की महंगी से महंगी क्रीम्स, लोशन, पता नहीं क्या क्या, वो आप भूल जाएंगे। तो आप इसे ऐसे ही लगा के सो जाएं और सुबह आप अपना फेस वॉश करें, आपको बिल्कुल भी अपनी स्किन ड्राई नहीं लगेगी। और अगर आपको रिंकल्स की यानी कि झुर्रियों की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सर्दियों में काली पड़ जाती है और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो बस इसे लगा लेना। और आप ना खुद मुझे 7 डेज बाद मुझे खुद बताना कि आपको अपनी स्किन पे कितना अच्छा निखार लगा और आपकी स्किन पे कितना अच्छा बदलाव आया। तो फ्रेंड, आई होप मेरी आपको आज की रेमेडीज पसंद आई होगी। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्किन को चमकदार बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए। स्किन को अगर ड्राई हो गई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है और आप चाहते हैं एंटी एजिंग क्रीम, तो ये आपके लिए अच्छी है। महंगी से महंगी क्रीम खरीदने कोई फ़ायदा ही नहीं है, जबकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी किचन में अवेलेबल होती है, तो क्यों इतना पैसा खर्च करें। और इससे आपको नेचुरल चीज़ें ज़रूर आपको धीरे इफेक्ट देती है, बट देती ज़रूर है। और फ्रेंड, मैंने अभी क्रीम ही लगाई है और इसके बाद मैंने सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर लगाया है और कुछ नहीं लगाया, तो आप खुद देख सकते हैं चमकदार स्किन। और मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्रीम्स, लोशंस और स्किन वाइटनिंग पैक्स, जो आपको 101% ये मेरा दावा है, आपको उसका रिजल्ट मिलने वाले हैं। तभी मैं अभी कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैंने टॉपिक्स पे मेरे को जो है मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए था, तो इसलिए मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग जो है वीडियोस लाने वाली हूँ, जिसका आपको मिलेगा 101% रिजल्ट, ट्रस्ट मी। और अगर वीडियो पसंद आई है ट्राई करना, और कौन कौन ट्राई करने वाला है कमेंट करना, और जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा है मुझको, उसको ढेर सारा मेरा प्यार और बहुत सारा थैंक यू। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, देन बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। फ्रेंड, बाय।